सुगेश चुप मूवी का एक नया गाना रिलीज हो चुका है मेरा लव में, स्टारिंग दिलकर सलमान। और इससे पहले जो चुप मूवी का गाना रिलीज हुआ था वो भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया था, एंड इस गाने को लेकर भी मेरी काफी ज्यादा होप है। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई इस बार दिलकर सलमान हम लोगों को क्या दिखाने वाले हैं। सभी पहले गाना सुनते फिर करते गाने के ऊपर बातचीत। चालू पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। भाई अगर ऑर्डर नहीं करा तो ऑर्डर कर दो। हाँ दिलकर सलमान जेब आ गया हूँ मैं ही मेरी जिंदगी में, मैं खो गया हूँ मैं ही मेरी शायरी। अगर इस मूवी के अंदर ये बंदा किलर है तो इसका मोटिव छोटा नहीं होने वाला। जस्ट लुक एट हिम यार, मतलब ये बंदा अपने कैरेक्टर में घुस जाता है और शायद इसीलिए मेरे को दिलकर सलमान इतने ज्यादा पसंद है। को तो मुझसे ज्यादा मुझसे प्यारा कोई नहीं लगता। हाँ मुझसे प्यारा कोई नहीं लगता। क्यों हो मुझे बेकरारी मुझको मेरी सोहबत प्यारी। क्यों हो मुझे इंतजारी मुझको मेरी ही कुमारी। दूजे के मुझसे ज्यादा मुझसे प्यारा कोई नहीं लगता। एक पूरा डेडिकेटेड सॉन्ग दिलकर सलमान का, और क्या ही चाहिए मूवी से। एंड ये बंदा इस पूरी मूवी में शाइन करेगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, खा जाएगा। दिल में तो थी कंगाली, तो ये आसान नहीं है सनी देओल के सामने टिकना, बट ये बंदा टिकेगा और लाइमलाइट ऐसे ले लेगा। मेरे को पर्सनली जानना है कि आखिर इसका मूवी क्रिटिक्स से भैया क्या दुश्मनी। I'm in love with me. के चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है अपन देखेंगे ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो नो मैटर वॉन्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। भाई मेरे को यही चाहिए था कि एक मूवी में पूरा एक डेडिकेटेड सॉन्ग दिलकर सलमान का। एंड मैं बता रहा हूँ कि इस बंदे का जो मोटिव है वो छोटा नहीं होने वाला, और सनी देओल के सामने टिकना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। अच्छे खासे एक्टर्स के मतलब पसीना छूट जाता उनके सामने, और उनको टफ फाइट देना आसान नहीं, पर ये बंदा उन्हें मेंटली हिला के रख देगा इस मूवी के अंदर। एंड इस बंदे का मोटिव जैसा मैंने कहा कि छोटा नहीं होने वाला, काफ़ी बड़ा होने वाला, और उसका इम्पैक्ट भी इस मूवी की एंडिंग में हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है और क्या दुश्मनी है उसकी मूवी क्रिटिक्स के साथ। पक्की बात है उसकी फैमिली का कोई मेम्बर होगा जिसकी डेथ इन मूवी क्रिटिक्स की वजह से हुई होगी, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसी मेरी प्रिडिक्शन, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि मूवी में क्या होने वाला, बट मेरी अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतना टॉर्चर आदमी तभी करता है जब उसका कोई पर्सनल अटैचमेंट, समझ रहे हो। ये मतलब एक रीज़न होता है किसी भी, मतलब एक साइको किलर या फिर किलर का कह लो। बाकी मेरे को ये पूरा गाना पसंद आया, देखो ओवरऑल मेरे को पसंद आया भाई, सीधी सी बात है। दिलकर सलमान के अपन फ़ैन है, पर ऐसा भी नहीं कि अंधे फैन है कि भाई कुछ भी पसंद करें, बट ये गाना बढ़िया था। बाकी तुम लोग इस गाने के बारे में क्या राय है तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना।